हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और आप सभी का द फ्यूचर कोचिंग में स्वागत है। आज हम पॉलिटी के जो क्लास है आज की हमारी पॉलिटी की, उसमें आज का जो हमारा विषय रहेगा, जो टॉपिक आज का रहेगा, वो रहेगी सिटीजनशिप या नागरिकता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नागरिकता की या सिटीजनशिप की, कि भारत में किस तरह से नागरिकता के उपबंध दिए गए हैं या कौन कौन से प्रोविजन दिए गए हैं भारत में नागरिकता के, और ये कौन से अनुच्छेद में है, और किस तरह से जो है भारत में आप नागरिकता जो है या सिटीजनशिप ले सकते हैं, या कोई भी पर्सन है उसे किस तरह से सिटीजनशिप जो है वो दी जा सकती है, ये संविधान के कौन से भाग में है और कौन से अनुच्छेद में है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं चर्चा नागरिकता को लेकर। तो आज का जो टॉपिक है वो है नागरिकता, नागरिकता यानी के सिटीजनशिप, नागरिकता या सिटीजनशिप। तो भारत में जो है किस प्रकार की सिटीजनशिप है, और किस तरह से जो है हमारे यहाँ पर बहुत सारे संशोधन हुए हैं सिटीजनशिप को लेकर, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें आपको बात याद रखनी है वो ये है कि भारत में जो है सिटीजनशिप कितने कितने तरह से आपको दी जा सकती है। तो जो है सबसे पहले इसके जो है प्रकार देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके संविधान के प्रोविजंस देखेंगे। तो अगर प्रकार की हम बात करें तो भारत में आप जन्म से जो है आपको नागरिकता मिल सकती है, आपको पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिल सकती है, पंजीकरण के द्वारा आपको नागरिकता मिल सकती है, और आपको पंजीकरण के साथ साथ आपको अदर तरीके से भी नागरिकता मिल सकती है, जैसे कि उसमें एक वर्ड आता है प्राकृतिकरण या बाय नेचुरलाइजेशन, या नेचुरलाइजेशन से भी आपको नागरिकता दी जा सकती है। तो जन्म से दी जा सकती है, पंजीकरण द्वारा दी जा सकती है मेनली, प्राकृतिकरण द्वारा दी जा सकती है, और यदि किसी फॉरेन टेरिटरी का यानी किसी क्षेत्र का भारत में विलय हो गया है तो उस द्वारा भी आपको नागरिकता दी जा सकती है। किसी क्षेत्र का भारत में विलय हो गया है यानी कोई टेरिटरी जो है भारत में आ गई है या भारत ने अनेक्स कर ली है, तब भी आपको नागरिकता दी जा सकती है। तो आपको जन्म से मिल सकती है, पंजीकरण से मिल सकती है, प्राकृतिकरण ही नेचुरलाइजेशन से मिलती है, और किसी क्षेत्र का भारत में अगर विलय हो जाता है इस तरह से भी आपको जो है नागरिकता मिल सकती है। तो अब हम भारत के संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, भारतीय संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान, नागरिकता के प्रावधान। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो नागरिकता है वो कौन से पार्ट में है, कौन कौन से अनुच्छेद ये डील करती है, और क्या कोई एक्ट बना है इसको लेकर, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो संविधान में, संविधान के भाग दो में ये वर्णित है, संविधान के भाग दो यानी कि भाग सेकंड में ये वर्णित है। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 तक ये वर्णित है, 5 से 11 तक जो है संविधान में सिटीजनशिप के प्रोविजन दिए गए हैं। तो इसमें हम और जो खास बात है वो सिटीजनशिप के बारे में जो है आपको जान लेनी चाहिए। सबसे पहले तो भारत में एकल नागरिकता है यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है, दैट इज ओनली इंडियन सिटीजनशिप। जब भी आपने अपना पासपोर्ट देखा होगा तो आपको उस पर लिखा हुआ मिलता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उस पर कभी भी रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर सिटीजन ऑफ ये राजस्थान या सिटीजन ऑफ हरियाणा या सिटीजन ऑफ पंजाब कभी भी लिखा हुआ नहीं मिलता, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टेट की कोई सिटीजनशिप नहीं है, हमारे यहाँ पे वन एंड ओनली एक सिटीजनशिप है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर नागरिकता का एक प्रोविजन है कि हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप।
सिंगल सिटीजनशिप। तो यहाँ पर जो है सिंगल सिटीजनशिप का जो है प्रोविजन दिया गया है। ऑन द अदर हैंड अगर हम यूएसए से कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर डबल सिटीजनशिप है। डबल का मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन जो है न्यूयॉर्क से बिलोंग करता है तो वो यूएसए का भी सिटीजन है और वो न्यूयॉर्क का भी सिटीजन है। तो वहां पर डबल सिटीजनशिप है, एक सेंटर की सिटीजनशिप है और एक स्टेट की सिटीजनशिप है, यानी कि वो अमेरिका का भी जो है सिटीजन है और उसके साथ साथ ही वो न्यूयॉर्क का भी सिटीजन है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ पासपोर्ट जब इशू होता है तो उस पर केवल और केवल इंडिया या भारत ही लिखा हुआ होता है। इसके अलावा जो है हमें जिस चीज के बारे में चर्चा करनी है वो है मेनली हमारे अनुच्छेद। तो अनुच्छेद के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद जो है वो डील करते हैं इनके साथ। तो अनुच्छेद 5 से 11 की हम बात कर रहे थे, तो आर्टिकल 5 में लिखा क्या है वो हम बात कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है भारत में नागरिकता के प्रावधान, कि किस तरह से आपको भारत में नागरिकता मिल सकती है। भारत में नागरिकता के प्रावधान या आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है कि अगर भारत में आपको नागरिकता चाहिए तो या तो आपका जन्म यहाँ पर हुआ हो या फिर आपके माता पिता में से कोई एक यहाँ पर हो, आपके माता पिता में से कोई एक इंडिया से बिलोंग करता हो। तो भारत में जो है नागरिकता के प्रावधान है तो उसमें या तो आप जन्म से भारत में है या फिर आपके माता या पिता में से कोई एक अगर भारतीय है तो आपको ऑटोमेटिकली जो है इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाती है। अनटिल और अनलेस आपका जन्म किसी दूसरी कंट्री में हुआ और आपके जो मदर फादर है वो यहाँ से इंडिया से बिलोंग करते हैं तो जो है उन्होंने भी फॉरेन की सिटीजनशिप ले रखी है तब उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो भारत के नागरिक है और इवन आपका जन्म कहीं भी हुआ है तो आप जब तक आपके माता पिता भारत के नागरिक हैं, माता पिता में से कोई एक भी भारत का नागरिक है तो आपको ऑटोमेटिकली जो है इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। फिर बात आती है नेक्स्ट आर्टिकल की, तो हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, दैट इज आर्टिकल 6। तो आर्टिकल 6 बात करता है भारत के भारतीय नागरिकता किन किन को दी जाएगी। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो पाकिस्तान प्रवर्सन कर चुके, यानी कि जो पर्सन पाकिस्तान को माइग्रेशन कर गए थे, जो पाकिस्तान प्रवर्सन कर गए थे, या प्रवर्सन का मतलब होता है माइग्रेशन, जिन्होंने पाकिस्तान माइग्रेशन कर लिया और वो वापस आ गए, जो लोग पाकिस्तान प्रवर्सन से वापस आए हो, तो आपको पता ही है कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो हमारे यहां से, यानी कि हमारे देश से भी चॉइस दी गई थी कि या तो आप पाकिस्तान चले जाएं या फिर आप भारत में भी रह सकते हैं। तो उन लोगों को पाकिस्तान जो है माइग्रेशन, उन वो लोग जो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन लौट कर भारत आ गए, जो लोग पाकिस्तान चले गए थे पार्टीशन के टाइम पर लेकिन वो पाकिस्तान से जो है लौट कर भारत आ गए हो, उन लोगों को नागरिकता जो दी जाएगी उसके प्रोविजन दिए गए हैं आर्टिकल 6 में। और आपको ये बात याद रखनी है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 6 में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए थे और वो वापस लौट कर आ गए हैं उनको नागरिकता जो है मिल जाएगी। लेकिन उनके लौटने की एक अवधि बताई है कि वो 26 जनवरी 1950 तक वापस आ गए हो, 26 जनवरी 1950 तक वापस आ गए हो या फिर 19 जुलाई 1948 तक। तो या तो वो 26 जनवरी 1950 तक वापस आ गए हो या 19 जुलाई 1948 तक, तो उन लोगों को जो है भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी और ये डेट स्पेसिफाइड की गई है। और इसको लेकर जो है एक अधिनियम भी आया था जिसका नाम है, उस अधिनियम का आपको नाम याद रखना है, उसका नाम है
सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट या इसे कह सकते हैं, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी हुए हैं और ये एक्ट है 1955 का। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है ये फोर्स में आया और इसमें बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं कि कैसे फॉरेन से जो लोग आएंगे और भारत के जो लोग हैं जिनके पास सिटीजनशिप नहीं है या अन्य कंट्री से जो रेफ्यूजी आए हैं, लेट्स से पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, तो उनको सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी, उसके प्रावधान जो है इस एक्ट में दिए गए हैं जिसका नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसको काफी बार अमेंड किया है तो इसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 भी कहते हैं। और इसमें जो अमेंड है रिसेंटली जो अमेंड इसमें हुआ था वो हुआ था 2020 में, जिसमें कि प्रोसिक्यूटेड जो परसिक्यूटेड जो सिख बुद्धिस्ट हिंदूज जो थे अफगानिस्तान से बांग्लादेश से और पाकिस्तान से जो भी परसिक्यूटेड इस इन रिलीजन के जो लोग थे उनको नागरिकता दी जाएगी, जिसका भारी विरोध भी हुआ था। तो इस तरह से जो है इसमें काफी अमेंडमेंट हुए हैं और रिसेंट का जो अमेंडमेंट है वो 2020 का अमेंडमेंट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर जो कि है आर्टिकल 7। तो आर्टिकल 7 जो है यानी कि अनुच्छेद 7 बात करता है कि जो व्यक्ति या जो भी पर्सन, जो व्यक्ति पाकिस्तान में रहने लगे हो, जो व्यक्ति पाकिस्तान में रहने लगे हो निर्वसन करके यानी माइग्रेशन करके वो रहने लगे हो तथा बाद में वह भारत लौटे तो ऐसे लोगों को जो है नागरिकता जो है वो दी जाएगी अनुच्छेद 7 के तहत। जो है ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो व्यक्ति पाकिस्तान में रहने लगे हो, मतलब वो इंडिया से माइग्रेट कर गए थे, इंडिया से माइग्रेट करने के बाद वो पर्टिकुलर पाकिस्तान में रहने भी लगे थे, उनके पास पाकिस्तानी सिटीजनशिप भी थी लेकिन वो भारत लौट कर आ गए, तो उन लोगों को भी सिटीजनशिप दी जा सकती है। इसमें भी उन्होंने एक डेट स्पेसिफाइड रखी है, 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ। अगर वो तब तक जो है वहां से वापस आ गए थे, वहां की जो सिटीजनशिप है उसको रिनाउंस करके वापस आ गए, तो उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। और इसमें एक डेडलाइन भी दी थी कि 19 जुलाई 1948 से पहले नहीं आए, जो 19 जुलाई 1948 से पहले ना आए हो और 26 जनवरी 1950 तक वो आ गए हो वापस, तो उन लोगों को जो है नागरिकता दी जा सकती है। ये ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान पर्टिकुलरली चले गए थे भारत विभाजन के समय या उसके उसके कुछ दिन बाद, और फिर आकर के वापस जो है ये भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को नागरिकता जो है ये अनुच्छेद 7 के प्रावधानों के अंतर्गत दी जाएगी। तो इसमें अभी तक हमने 3 अनुच्छेद किए हैं, आपको तीनों को एक बार रिवाइज करना है और याद रखना है कि 5 में तो ये लिखा हुआ है कि भारत में नागरिकता किस 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 तरह से दी जाती है, जन्म से या उसमें से माता पिता उसके यहीं पर रहते हो या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ से बिलोंग करते हो तो उनको नागरिकता दी जा सकती है। फिर है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 बात करता है जो पाकिस्तान से माइग्रेट कर गए हो, यानी के जो पार्टीशन के समय गए थे पाकिस्तान, लेकिन कुछ ही समय में वो वहां से जो लोग पाकिस्तान में थे और वो इधर आए हैं वो लोग जो है उनको नागरिकता दी जाएगी। फिर है जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और वो वहां पर रहने भी लगे हैं, वहां की सिटीजनशिप भी ले ली, लेकिन फिर बाद में जो वो भारत लौटे हैं उन लोगों को आर्टिकल 7 के अनुच्छेद 7 के प्रावधानों के तहत जो है नागरिकता दी जाएगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल हम करेंगे वो आर्टिकल है उन लोगों के लिए जो लोग भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं और उनके ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग करते हो। तो ऐसे व्यक्ति जिनके दादा या दादी भारत से संबंधित हो, भारत से
संबंधित हो, जिनके दादा या दादी जो हैं वो भारत से संबंधित हो और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, नागरिकता लेना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, अनुच्छेद 8 में लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति जो जिनके दादा या दादी जो हैं वो भारतीय हैं और वो यहाँ की जो नागरिकता है भारत की लेना चाहते हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी अंटिल और अनलेस उनके जो दादा दादी हैं उन्होंने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले रखी और वो अभी भी जो है भारत में ही है, या फिर भारत में नहीं भी है लेकिन उन्होंने भारत की जो नागरिकता है वो रद्द नहीं करवाई है या रिनाउंस नहीं की है, तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो आर्टिकल 8 में ऐसे व्यक्ति के लिए प्रावधान लिखे गए हैं जो जिनके जो दादा दादी हैं वो भारत से संबंधित है और उनके जो पोता पोती हैं वो लेना चाहते हैं भारत की नागरिकता, तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। इसमें बस एक प्रोविजन यहाँ पर है कि वो जो लोग हैं उन्होंने, यानी जो दादा दादी उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ना ले रखी हो, अगर उन्होंने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है तब उनको भारतीय नागरिकता नहीं दी जाती है। तो ये जो प्रावधान है ये लिखे हुए हैं अनुच्छेद 8 में। तो हमने आर्टिकल 5 देखा, 6 देखा, 6 और 7 में तो पाकिस्तान से संबंधित है, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए और जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे और वापस आ गए उन लोगों को आर्टिकल 6 और 7 के तहत मिलेगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके दादा दादी जो है वो भारत से संबंधित है उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 9 की। तो आर्टिकल 9 जो है ये बात करता है कि जिन व्यक्तियों ने या जिस व्यक्ति ने, ऐसे लिखेंगे इसे, जिस व्यक्ति ने अन्य देश की नागरिकता ले ली है, अन्य देश की नागरिकता ले ली हो, अन्य देश की नागरिकता ले ली हो, उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, उसकी नागरिकता यानी कि भारतीय नागरिकता जो है उसकी रद्द कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। तो अगर किसी व्यक्ति ने जो है कोई भी पर्सन है और वो इंडिया से बिलोंग करता है और इंडिया की सिटीजनशिप उसने ले रखी है, लेकिन वो किसी और कंट्री में जा करके वहां की सिटीजनशिप भी ले लेता है तो उसकी भारतीय सिटीजनशिप जो है वो रद्द हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे डबल सिटीजनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और हमारे यहाँ पे या तो वो सिर्फ भारत का नागरिक हो सकता है या फिर वो किसी और कंट्री का नागरिक हो सकता है, तो उसे भारत की जो नागरिकता है वो रद्द करनी पड़ेगी। यानी कि हम एक स्पेसिफाइड टाइम होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, और उस स्पेसिफाइड टाइम में अगर वो पर्सन जो है उसका सॉलिड प्रूफ होता है कि इसने किसी और कंट्री की ले ली है नागरिकता, तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो रद्द कर दी जाती है। ऐसे प्रावधान लिखे गए हैं आर्टिकल 9 में। फिर अब बात आती है आर्टिकल 10 की, के अनुच्छेद 10 में क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 10 की हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिकता किस तरह से रद्द की जा सकती है, भारतीय नागरिकता किस तरह से रद्द की जा सकती है या किस प्रकार से रद्द की जा सकती है, किस प्रकार से रद्द की जा सकती है।
तो ये जो है बिल्कुल जो सेम टू सेम कॉन्स्टिट्यूशन में है उस हिसाब से हम नहीं कर रहे हैं, हम आपको इसमें बहुत सिंप्लीफाइड वे में लिखकर बता रहे हैं कि किस तरह से उस लैंग्वेज को जो कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज लिखी हुई है वो बहुत बार समझ नहीं आती है बिकॉज बहुत टेक्निकल लैंग्वेज हो जाती है। तो बिल्कुल सिंपल आप समझे कि अनुच्छेद 10 में क्या लिखा हो, भारतीय नागरिकता किस प्रकार से रद्द की जा सकती है, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं कि उन तरीकों की वजह से आपकी भारतीय नागरिकता जो है वो रद्द हो सकती है। तो भारतीय नागरिकता जो है मिनिस्ट्री जो है या गवर्नमेंट जो है वो आपकी रद्द कर सकती है, काफी सारे वे इसके हैं। एक तो अगर उसके पास डबल सिटीजनशिप है या यदि पर्सन के पास नागरिकता ज्यादा है और मतलब एक से अधिक नागरिकता उसने ले रखी है, यदि व्यक्ति के पास द्वि नागरिकता है या दो नागरिकता है, दो नागरिकता है, या तो व्यक्ति के पास दो नागरिकता है, यदि उसके पास दो नागरिकता है, यानी कि इसमें हमने अभी भी दूसरे आर्टिकल में भी हमने इसमें पढ़ा है कि अगर उस पर्सन के पास दो नागरिकता है यानी उसने किसी और देश से भी कर रखी है तब उसकी एक जो है भारतीय नागरिकता वो रद्द कर दी जाएगी। दूसरा है वंचित करके, वंचित करके यानी कि इसमें क्या हो सकता है वंचित करने में कि उस पर्सन को जो भी पर्सन प्रॉपर जो है रजिस्ट्रेशन के थ्रू प्रॉपर यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाया है तो उसकी जो है नागरिकता नहीं दी जाती है, उसे वंचित कर दिया जाता है जब तक कि वो यहाँ पर पंजीकरण के द्वारा नागरिकता नहीं लेता है तो उसे वंचित कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ अगर इसमें ये वाला प्रोविजन भी ऐड है कि अगर उसने किसी और यहाँ की नागरिकता लेने के बाद किसी और कंट्री में भी नागरिकता ले लिया तो इसका एक नागरिकता जो है वो उसे छोड़नी पड़ेगी। तो आर्टिकल 10 में लिखे हुए हैं वो प्रावधान के किस तरह से जो है व्यक्ति की नागरिकता वो रद्द कर सकते हैं और रद्द की जा सकती है। यदि और एक इसमें एक और आता है कि यदि उसने भारतीय संविधान का पालन नहीं किया, ये भी आता है कि यदि उसने भारतीय संविधान का पालन नहीं किया है तब भी उसकी नागरिकता रद्द कर सकते हैं, भारतीय संविधान का पालन नहीं किया हो, पालन नहीं किया हो, यानी कि इसमें वो लोग आते हैं जो कि टेररिस्ट या टेररिज्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए हैं और इस तरह के जो जो हेजनियस क्राइम्स हैं उसमें जो इन्वॉल्व हो गए हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता ले रखी थी तो उनकी नागरिकता जो है रद्द कर की जा सकती है यदि उन्होंने भारतीय संविधान की अवहेलना भी की है। तो आर्टिकल 10 में लिखा हुआ है भारतीय नागरिकता किस प्रकार से रद्द की जा सकती है, किस प्रकार से किसी भी पर्सन से नागरिकता वापस ली जा सकती है। अब अंतिम जो आर्टिकल बचा है वो है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है संसद के पास या संसद को शक्ति दी गई है या पावर दी गई है, शक्ति दी गई है, संसद को शक्ति दी गई है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की, बंद में लॉ बनाने की या कानून बनाने की। तो आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप, यानी कि सिटीजनशिप से संबंधित जो है पार्लियामेंट कि कैसा भी लॉ बना सकती है और इसमें कोई भी संशोधन किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट काफी बार अमेंड हुआ है, ये 1955 का जो एक्ट है तो 1955 के एक्ट में 2020 में इसमें बहुत बड़ा मेजर अमेंडमेंट हुआ था और इसमें जो है पार्लियामेंट को शक्ति दी गई है यानी कि पावर दी गई है, या आर्टिकल 11 से ही ये पावर डराइव होती है कि इसको पावर दी गई है कि ये कोई भी ऐसा लॉ बना सकती है जिससे कि किसी पर्सन की
सिटीजनशिप ये ले सकती है और किसी को भी दे सकती है, ये बार कर सकती है पार्लियामेंट किसी पर्सन को भी कि उसे भारतीय सिटीजनशिप ना दी जाए। तो इसका जो एक एग्जाम्पल है वो हम थोड़ा सीएए की तरफ भी चलेंगे, क्योंकि सीएए से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि जो हमारी ये पार्लियामेंट है वो किस तरह से लॉ बनाती है। तो सीएए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो आया है, इसने अमेंड किया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को, और इसमें इन्होंने एक प्रोविजन डाला था कि जो भी पर्सन, जैसे कि बुद्ध है या तो जो बौद्ध है, जो कि बुद्धिस्ट है या कि बौद्ध है या जैन है या फिर हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं या फिर सिख है, तो ये जो चार लोग हैं यानी कि चार धर्म के जो बिलोंग करते हैं चार धर्मों से, अगर ये पर्सन कहां से आते हैं, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से और या फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश और श्रीलंका, और श्रीलंका, तो इन लोगों को जो है नागरिकता दी जाएगी। अभी कौन से ये लोग हैं, कौन, ये किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो आपको याद होगा कि जो भी पाकिस्तान में लिविंग है हिंदूज या सिख, और जो कि हिंदू ओरिजिन के हैं, या फिर बुद्ध या जैन है जो अफगानिस्तान में है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो है गांधार है, वहां पर गौतम बुद्ध जो है उनकी मूर्तियां भी पाई गई थी, गांधार शैली जो आर्ट है तो वहां पर बुद्ध भी पाए जाते हैं, और जैन जो है ये, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका से जो परसिक्यूटेड है, परसिक्यूटेड यानी कि ये वहां पर माइनॉरिटीज में है, और वहां पर जो है मेजरली इस्लामिक ओरिजिन के लोग रहते हैं और इनका वहां पर परसिक्यूशन होता था, तो उसके कारण जो है वहां के जो परसिक्यूटेड लोग हैं उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। ये 2020 में अमेंडमेंट आया था सीएए 2020, और ये काफी चर्चित भी रहा है और काफी विवादित भी रहा है। तो अगर सीएए पे क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आएगा कि इसमें से किन किन जो है धर्मों के लोगों को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत नागरिकता दी जाएगी या दी गई। तो ये थे बुद्ध, जैन, हिंदू और सिख, तो इसको आपको याद रखना है। ये भी अमेंडमेंट जो है ये 1955 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही हुआ था, तो इसको आपको याद रखना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही इसका जो है वो हुआ था, यानी कि संशोधन इसमें हुआ था। तो इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने कैसे शुरू किया था। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले भारतीय नागरिकता की, भारत में नागरिकता आपको कैसे कैसे मिलेगा, आपको जन्म से मिल सकती है, पंजीकरण से मिलती है, प्राकृतिकरण से मिलती है, या फिर किसी क्षेत्र का भारत में विलय हो गया है, यानी कि कोई भी टेरिटरी अगर भारत में आ गई है तो ऑटोमेटिकली उसके जो नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक बन जाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान क्या क्या दिए गए हैं, तो आपको संविधान के भाग 2 में इसके प्रावधान मिलेंगे, और अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है इसके प्रावधान दिए गए हैं। और भारत में जो है सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता आपको को मिलेगी। ऑन दी अदर हैंड यूएस में डबल सिटीजनशिप है, यानी कि जो डबल सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता वहां पर है, वो यूएसए का भी सिटीजन है और वो उस पर्टिकुलर स्टेट का भी सिटीजन है जहां से वो बिलोंग करता है। नेक्स्ट है इसमें कौन कौन से आर्टिकल दिए गए हैं, तो हमने कहा है 5 से 11, तो 5 में लिखा हुआ है भारत में नागरिकता के कैसे कैसे प्रावधान है, किस तरह से भारत में नागरिकता मिल सकती है, जन्म से या उसके माता पिता यहाँ से बिलोंग करते हो। और आर्टिकल 6 में लिखा गया है जो लोग पाकिस्तान से वापस आए हैं, यानी कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी आर्टिकल 6 के तहत। और इसमें सिटीजनशिप एक्ट बनाया 1955 का, और इसमें 2020 तक जो है अभी तक संशोधन हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 7 को अगर हम देखें तो वो भी इसी के प्रावधानों पर है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान गए हैं
और वहां पर वो रहने लगे हो, उनको अनुच्छेद 6 के तहत जो है सिटीजनशिप दी जाएगी। आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है, ऐसे व्यक्ति जिनके दादा दादी भारत से संबंधित है, यानी जिनके दादा दादी जो है वो भारतीय नागरिक है, और उनको सिटीजनशिप किस तरह से दी जाएगी, तो उनको सिटीजनशिप दी जा सकती है यदि उनके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर जो है वो इंडिया में ही डिसाइड कर रहे हैं या फिर इंडिया की ही सिटीजनशिप उन्होंने ले रखी है। नेक्स्ट है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 बात करता है ऐसे लोग ऐसे लोग या जो व्यक्ति किसी देश की अन्य देश की नागरिकता ले रखी है लेकिन वो जो है भारत की नागरिकता भी ले रखी है, तो उनकी भारत की नागरिकता जो है रद्द हो जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर हमने बात की आर्टिकल 10 की कि भारतीय नागरिकता के प्रकार जो है वो किस तरह के हैं, तो यदि व्यक्ति के पास दो नागरिकता है तो रद्द हो जाएगी, वंचित करने से हो जाएगी, और यदि उसने भारतीय संविधान की अवहेलना की है या नहीं नियमों का पालन किया है तो भी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। और आर्टिकल 11 जो है ये पावर देता है संसद को कि ये नागरिकता पर कोई भी कानून जो है वो बना सकती है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है इससे क्वेश्चन काफी आते हैं, नागरिकता से आते हैं, तो ये जो आपके 5 से 11 अनुच्छेद हैं ये इतने सिंपल हैं कि आप याद कर सकते हैं और बिल्कुल इजीली आपका रिवीजन इसका हो जाएगा। तो आई होप यू लाइक द सेशन और हम कल फिर आएंगे, और कल जो है हमारा टॉपिक जरूर देखेगा, कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। तो तब तक के लिए बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग के साथ, और गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें।